अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और डेली का लेक्चर भी आप देख रहे होंगे, इसकी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं वो है 22 सब्जेक्ट मैथ क्लास 7 का। क्लास 7 का जो लेक्चर आज हमारा स्टार्ट होने लगा है वो एक्सरसाइज 12.2 का है और पार्ट नंबर 2 मैंने मेंशन कर दिया है और इसमें हम 4 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में यकीनन वो तीनों फार्मूले अच्छे तरीके से तैयार कर ली होंगी। अगर वो आपको तैयार हो जाए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो गया क्योंकि बार बार वही फार्मूले इसमें यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर ट्यूब लाइट इज 89 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्यूब लाइट। एक ट्यूब लाइट है जिसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो 89 सेंटीमीटर है। हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमें डायामीटर की इस फार्मूलों में ज़रूरत नहीं है, रेडियस की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, डायामीटर को कन्वर्ट कर देंगे रेडियस में, लिखेंगे आर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो अब डी जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर बाई टू। अब 3.5 सेंटीमीटर को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। आप देखें इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर हो गया है? अब देखिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच था, आर की वैल्यू भी हमने डिफाइन कर लिया, हाइट की पहले गिवन ही थी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर हमने भी फाइंड किया है 1.75 सेंटीमीटर इंटू 1.75 सेंटीमीटर प्लस हाइट गिवन है 89 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब देखिए 2 इंटू 3.14 एट 1.75 सेंटीमीटर इसी तरह लिख देंगे और 1.75 में प्लस कर देंगे। अच्छा ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे प्लस करते हैं। 1.75 सेंटीमीटर है तो देखिए इसमें पॉइंट तो कोई नहीं है तो हम 89.0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, इधर आएगा 8। अगर आप पॉइंट लगा के 0.0 लगाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। 9 ये 7.5 सेंटीमीटर इसी तरह आ जाएगा। 9 में 1 प्लस करें 10, 8 में 1 प्लस करें 9, यानी 90.75 आ गया। 90.75 सेंटीमीटर इन दोनों को प्लस करने से। अब देखिए अब ये चार वैल्यू हमारे पास आ गई है और इन चारों को हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 997.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सरफेस एरिया लिखा हुआ था, जब एरिया जहां कहीं में भी लिखा होगा उसका यूनिट स्क्वायर में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 997.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? डायामीटर और हाइट की और थी, सरफेस एरिया फाइंड करना था, डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर ड्रम इफ इट
डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर, हाइट 110, आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है एक वाटर ड्रम की, उसमें डायमीटर और हाइट गिवन है, और दूसरा हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी दो हमने इसमें फाइंड करना है। फर्स्ट हम लिखेंगे डायमीटर इक्वल है, यानी डी हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर के इक्वल, सॉरी 60 सेंटीमीटर के, 60 सेंटीमीटर के। हाइट है 110, हाइट कितनी गिवन है 110 सेंटीमीटर। उसके बाद देखें यहां से, अब डायमीटर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे रेडियस में, तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू टी बाय टू, और ये है 60 सेंटीमीटर बाय टू, तो आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर, आर हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद है वॉल्यूम, वॉल्यूम और कैपेसिटी। कैपेसिटी वॉल्यूम एक ही चीज है, आप लिख लें कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज हुआ है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। एक ये हमने फाइंड करना है, और दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी आर वॉल्यूम। इसमें मैं यहाँ वॉल्यूम भी लिख देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना हो कि ये कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा। वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज है, ठीक है। तो कैपेसिटी आर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट वॉल्यूम आर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर एच इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये है 3.14, और आर की वैल्यू हमने भी निकाली थी 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो हाइट है 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये स्क्वायर में है तो हम इसे टू टाइम लिख लेंगे, लिखेंगे 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब इन चारों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, थ्री वन जीरो एट सिक्स जीरो सेंटीमीटर क्यूब, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। आप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, यहां लिख लेती हूँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr इंटू आर प्लस एच, वैल्यू पुट करें 2 3.14, एंड r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस हाइट 110 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये 30 आ जाएगा 0 4 1, यानी 140 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब इन चारों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26 3 7 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5। डायमीटर
105 गिवन था, रेडियस वहां से निकाला, वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज है, वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर वहां पे कहा गया हमें वो फाइंड करना था, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगाया है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर हो गया। अब पाई आर स्क्वायर एच है तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर आ गया 310860, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये भी क्वेश्चन में बताया गया था कि ये भी आपने फाइंड करना है, हमने फार्मूला इसमें पुट किया 2 बाई आर इंटू आर प्लस एच, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑयल टैंक, ऑयल टैंक का रेडियस फाइंड करना हूज हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड कैपेसिटी इज 4050 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ये हमें गिवन है 4050 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है रेडियस, हाइट, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, रेडियस हमने फाइंड करना है क्योंकि इसमें कहा गया है रेडियस ऑफ आई टैंक, ये फाइंड करें तो रेडियस हमने फाइंड करना, हम लिखेंगे We know that volume of capacity of cylinder equal है pi r square h के को, पाई आर स्क्वायर एच के ऊपर, यहां से हमने रेडियस निकालना है। पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू है 4050 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। पाई की है 3.14, आर स्क्वायर है ये तो फाइंड करना, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अच्छा 4050 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 3.14 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 28.26 आर स्क्वायर, इसके साथ ये सेंटीमीटर भी है। 4050 सेंटीमीटर क्यूब बाय 28.26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर इस एक सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4050 को हम आपस में डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 143.31 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पे आर स्क्वायर है और हमें जस्ट सिंगल आर चाहिए, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 143.31 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये सेंटीमीटर भी इससे कैंसिल हो जाएगा और 143.31 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आ जाता है 11.971। सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर और यही हमने फाइंड करना था। देखें क्वेश्चन में गिवन था कि कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर फाइंड करें, सॉरी कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है
हाइट भी गिवन थी और रेडियस फाइंड करना था। जाहिर सी बात है कि कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे, वो लगाया और यहाँ से आर स्केयर की वैल्यू हमारे पास आई 143/31 सेंटीमीटर स्केयर। फिर क्या किया, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया तो आंसर आ गया 11.971 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। क्लियर? आज हमने 3 क्वेश्चन ही करने थे, 4 to 6। अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है और खुद ये नहीं है कि यहाँ से देख के सारा कॉपी कर लेना है, आपने जस्ट फार्मूला देखना है, फार्मूला लगाने के बाद खुद वैल्यू पुट करके खुद इसकी कैलकुलेशन करनी है। जब कैलकुलेशन आप करना सीख जाएंगे फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ये नहीं है यहीं से सारा चीट करके आप लिख लें। होमवर्क आपने मुझे सेंड कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।